पंजाब के मोगा के पास बीती देर रात भारतीय वायुसेना का एक MiG-21 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार भारतीय वायुसेना ने बताया कि दुर्घटना के समय विमान अपने नियमित प्रशिक्षण उड़ान पर था। भारतीय वायुसेना के अनुसार बीती रात पश्चिमी सेक्टर के भारतीय वायुसेना के एक बाइसन विमान की चपेट में आने से एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पायलट स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी घातक रूप से घायल हो गए थे। IAF ने दुखद नुकसान पर शोक व्यक्त किया और शोक संतप्त परिवार के साथ मजबूती से खड़ा है। भारतीय वायुसेना ने पश्चिमी क्षेत्र में भारतीय वायुसेना के बाइसन विमान की दुर्घटना में कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का भी आदेश दिया है।